ईश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम बुद्धि प्रदाम शारदाम एनाक्षर समाम्नाय मधिगम्या महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः तस्मै पाणिनये नमः ओम शांति शांति शांति। अथ बहुव्रीहि शेषो बहुव्रीहि अनेकमन्यपदार्थे सप्तमे विशेषणे बहुव्रीहो हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायां स्त्रियः पुंवद् भासित पुष्कादरं समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणि प्रियादिषु ये चल रहा है। आपके सामने उदाहरण है बहुव्रीहि समास का, कौन सा मालूम है? चित्रगु में क्या विग्रह है? चित्रा गौहु यस्य, हाँ चित्रा गौहु यस्य, जिस व्यक्ति के पास कैसी गौ है? चितकाबरी गौ है, है ना? उस व्यक्ति को कहा जाएगा चित्रगु, ठीक है। चित्रा प्लस क्या है? सु। चित्रा प्लस सु है, चित्रा सु, और गो प्लस सु है, ठीक है। हाँ, सु का तो लुक हो गया, सु का लुक हो गया। ये सूत्र आया ऐसा होने पर, पुनर्वत भाव करने वाला सूत्र है। क्या करने वाला है? ये बोलता है स्त्रियहा, मतलब स्त्रीलिंग विशिष्ट शब्द हो, है ना? हाँ, और कैसा हो? पुनवद भाषित पुष्का दोनों ऐसा कहा, है ना? हाँ, इसका अर्थ बहुत कह दिया। उक्त पुष्कात अनुंग उंगो अभावो अस्या, पहले तो अनुंग शब्द हो गया, क्या शब्द हो गया? अनुंग, उंग अभाव इति अनुंग हो जाएगा, है ना? अविभाव समास करो अथवा नए तत्पुरुष समास करो, उंग अभाव इति अनु हो जाएगा, है ना? हाँ, फिर यह है भाषित पुंस्कात अनु यस्य, भाषित पुंस्कात परह अनु यस्य, ऐसा करो। भाषित पुष्क शब्द हो, क्या शब्द हो? हाँ, है ना? जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के जो शब्द पुल्लिंग में हुआ हो, उसी प्रवृत्ति निमित्त धर्म को लेकर के यदि अब स्त्रीलिंग में आए, उसको कहा जाएगा भाषित पुष्क। क्या कहा जाएगा? हाँ, जैसे चित्रा शब्द आ गया है, चित्रा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? चित्र रूप, रूप चित्रत रूप रूप है, उसी रूप जो शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म, उसी धर्म से अभी कौन शब्द आया? चित्रा, चित्रा शब्द कहा जाएगा भाषित पुष्क। क्या कहा जाएगा? भाषित पुष्क, समझ में आया? और इससे परे कोई उंग प्रत्यय तो नहीं हुआ है, जैसे बामरु आएगा ना, वहाँ पर जैसे उंग प्रत्यय होता है, ऐसा कोई उंग प्रत्यय यहाँ पर नहीं हुआ है। किस शब्द में? चित्रा में, चित्रा शब्द हो गया, भाषित पुष्क अनुंग हो गया, भाषित पुष्का अनुंग, ऐसे में। और स्त्रीलिंग में भी है ये, कौन शब्द? चित्रा, उसको क्या कर देगा? पुनवत्, मना पुलिंग में जैसा रूप है ऐसा रूप कर देगा। हाँ, पुलिंग में चित्रा चलेगा कि चित्रा चलेगा? चित्रा, कि चित्रा हो जाएगा, चित्रा को चित्रा हो गया, इसी का नाम होता है पूर्णोद्भाव। लेकिन कब? कहते समानाधिकरण है,
आगे समानाधिकरण उत्तर पद हो, समानाधिकरण उत्तर पद कौन है? गो। समानाधिकरण उत्तर पद कौन हो गया? गो। इसको पूर्वोद्भाव कर दिया, ठीक है। लेकिन किस लिंग में कहा? स्त्रियाम है। ये चित्रा गो शब्द है ना, किस लिंग में है? चित्रा गो स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग में है, ठीक है। गो शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए कहा जा रहा है। आज समझ में? हाँ। और पर में कौन उत्तर पद न हो? अपूरणी प्रियादिशो, पूर्ण प्रत्यंत न हो शब्द उत्तर पद में, ठीक है ना। उत्तर पद में स्त्रीलिंग वाला पद हो। स्त्रीलिंग वाला पद कौन है? गो। स्त्रीलिंग, हाँ, केवल चित्रा को गोर ले लो। ये जो सूत्र में स्त्रियाम कह रहा है, ये उत्तर पद के लिए कह रहा है, ठीक है। उत्तर पद के लिए कह रही है। गो शब्द यहाँ पर उत्तर पद है और स्त्रीलिंग में है यहाँ पर, आया समझ में ना। उत्तर पद में जो स्त्रीलिंग वाला पद हो, उत्तर पद, वो कैसा पद नहीं होना चाहिए? पूर्ण प्रत्यंत और क्या है? प्रियादिशु है ना, प्रियादि गणपति शब्द न हो, ठीक है। ये यहाँ पर सूत्र का अर्थ होगा। सूत्र का अर्थ आगे यही हो गया, देखो। तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्तम पुंस्कम तस्मात् परः उंग अभाव यत्र तथाभूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्यैव रूपं स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे न तु पूर्ण्यां प्रियादौ च परत। अर्थ लिखना है, लिख लो। जिससे परे उंग प्रत्यय न हुआ हो, जिससे परे उंग प्रत्यय न हुआ हो, हाँ, उंग प्रत्यय न हुआ हो, ऐसा ऐसा भाषित पुंस्क, भाषित पुंस्क, हाँ, स्त्रीलिंग शब्द हो, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द हो, स्त्रीलिंग शब्द हो, उसको पुनवद भाव होगा, उसको पुनवद भाव होगा, अर्थात उसका रूप पुलिंग की तरह होगा, उसका रूप पुलिंग की तरह होगा, किसके तरह होगा? पुलिंग की तरह, पुलिंग की तरह होगा। स्त्रीलिंग उत्तर पद ऐसा लिखो, समानाधिकरण आगे, समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद पर रहते, समानाधिकरण स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग उत्तर पद पर रहते, पर रहते, परंतु परंतु पूर्ण प्रत्यंत शब्द और प्रियादि गणपटित, प्रियादि 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 गणपटित शब्द पर में न हो तो, पर में न हो तो, जैसे चित्रा गो, जैसे चित्रा गो, हाँ, चित्रा है स्त्रीलिंग शब्द, चित्रा स्त्रीलिंग शब्द, और यह भाषित पुंस्क भी है, और यह भाषित पुंस्क भी है, पुंस्क देखो, देख कर लिखो, भाषित पुंस्क, अर्थात बंद कर, बंद कर, सही, बंद कर, अर्थात इसका प्रवृत्ति निमित्त धर्म, इसका प्रवृत्ति
चित्रत रूप है, चित्रत रूप है ना, तो यह पुलिंग में भी है, चित्रत्व रूप है, यह पुलिंग में भी है, यह पुलिंग में भी है कि नहीं, यह पुलिंग में भी है, पुलिंग में भी है। और चित्रा से परे उंग प्रत्यय भी नहीं है, चित्रा से परे, चित्रा से परे उंग प्रत्यय भी नहीं है, उंग प्रत्यय भी, हाँ उंग प्रत्यय भी नहीं है, क्या प्रत्यय नहीं है, उंग प्रत्यय भी नहीं है, ठीक है जी। आगे लिखो, चित्रा से उत्तर पद, चित्रा से उत्तर पद गो है, से उत्तर पद गो है, और समानाधिकरण भी है, समानाधि, समानाधिकरण समझ में आ रहा है, चित्रा शब्द का जो अर्थ है गो का भी वही अर्थ है यहाँ पर, है कि नहीं, हाँ ठीक है। और गो शब्द स्त्रीलिंग भी है, गो शब्द स्त्रीलिंग भी है, हो गया कि नहीं, स्त्रीलिंग भी है। और और गो शब्द पूर्ण प्रत्यंत, पूर्ण प्रत्यंत और प्रियादि गणपठित भी नहीं है, प्रियादि गणपठित भी नहीं है, प्रियादि गण में गो शब्द नहीं आता है, गणपठित भी नहीं, नहीं गो शब्द किस में नहीं आता है, प्रियादि गण में नहीं आता है, है ना जी। और हाँ नहीं लिखने की जरूरत नहीं, और पूर्ण प्रत्यंत में नहीं है, कौन गो शब्द उत्तर पद के लिए कह रहे हैं, हाँ ठीक है जी। आगे समझ में, इसलिए चित्रा को क्या होगा, पुनवद भाव होगा, चित्रा को क्या होगा, पुनवद भाव मतलब पुलिंग में जैसा रूप चलता है ऐसा रूप यहाँ पर हो जाएगा, सुनते हो, इसलिए चित्रा को क्या होगा, चित्र हो जाएगा, अब चित्र रूप रहेगा, क्या रूप रहेगा, चित्र रूप रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चित्र आगे क्या है बोलो, चित्र गो, गो चित्र गो, इतना रहा अच्छा, ये जो गो शब्द है स्त्रीलिंग है क्या, स्त्रीलिंग है, हैं ठीक है, इसलिए यह इसको क्या होगा मालूम है, हर्ष हो जाएगा, देखो पीछे एक सूत्र गया है अनुराग कहाँ पर, तत्पुरुष में नहीं, गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य मिला है, गो शब्द एक उपसर्जनम यो गो शब्द बोल दिया कि नहीं, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है ना, बहुव्रीहि समास है ये, अन्य पदार्थ प्रधान होता है और समस्यमान पदार्थ गौण होता है, क्या समय है, समस्यमान गौण होता है और अन्य पदार्थ प्रधान होता है, इसलिए गो यहाँ पर उपसर्जन है कि नहीं है, हो गया ना, हाँ इसलिए इसको क्या होगा, हर्ष हो जाएगा, हाँ हाँ गो स्त्रियो रूप सर्जन से सूत्र से गो के ओकार को क्या होगा, हर्ष हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है, गो के ओकार को उ हो जाएगा, क्यों होगा, एक सूत्र के पूछेंगे तो एक सूत्र है बोलते हैं, शुद्धि पाश्य में क्या लगा बोलते एक सूत्र है, ऐसे बोलोगे, शुद्धि पाश्य से यण सूत्र, यण करने वाला क्या सूत्र है, तो एक सूत्र है क्यों भाई, हैं शुद्धि पाश्य में यण होता है किस सूत्र से, तो क्या बोलोगे, एक सूत्र से क्यों अनुराग, हैं हाँ ठीक है, तो गो के ओकार को हर्ष हुआ किस सूत्र से, एक सूत्र से बोलो किस सूत्र से एचह बोलो एक ह्रस्वादेश, क्या सूत्र है, एक ह्रस्वादेश, एच को ह्रस्व यदि करना है तो क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक, तो ओ को ह्रस्व होने पर क्या होगा, उ हो जाएगा, क्या होगा, उ, तो क्या बन जाएगा, चित्र गो,
जानते हैं चित्र को शब्द, देखो सूत्र में लिख दिया ना भाई, वृत्ति में गो स्त्रियो इति ह्रस्व दिया है ना, चित्र को वृत्ति मिली कि नहीं आपको, मिल गई वृत्ति नहीं मिली, मिल गई ना वृत्ति। हाँ चलो चित्र गो हो गया जी। उसके बाद देखो रूपवत भार्य, रूपवत भार्य इसका दूसरा उदाहरण है, इस सूत्र का दूसरा उदाहरण है रूपवत भार्य, मतलब जिसकी भार्या है ना रूपवती हो, बड़ा भाग्यवान है कि नहीं, है ना अनुराग, बड़ा भाग्यवान होगा वो, रूपवती भार्या यस्य, क्या विग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य, है ना क्या होगा विग्रह अलौकिक बोलो, रूपवती सु भार्या सु, भार्या सु का लुक हो गया कितना रहा रूपवती आगे भार्या, ठीक है ना। तो रूपवती जो शब्द है तिलिंग है क्या, तिलिंग है और इसका ये भाषित पुष्क भी है, शब्द प्रवृत्ति निमित्त क्या रूपवत्व, इसका शब्द प्रवृत्ति निमित्त क्या रूपवत्व है कि नहीं, हो गया ना। रूपवान शब्द होता है पुलिंग में, स्त्रीलिंग में है तो रूपवती शब्द होता है, तो रूप वाला है, तो रूप किस में रहेगा, पुरुष में रहेगा कि स्त्री में रहेगा कि दोनों में रहेगा, वो तो कोई भी हो सकता है, पुरुष भी है और स्त्री भी है, इसलिए रूपवत्त हो जाएगा क्या है भाषित शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म हो जाएगा, है क्या। उसी रूपवत्व धर्म से जो शब्द रूपवत था ना पुलिंग में, क्या शब्द था रूपवत, रूपवत होता है सुनते हो, उसका शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म क्या रूपवत्व, मतलब सुंदर रूप, ये कहने का मतलब रूप तो कहीं कुछ रहता ही है, वो तात्पर्य नहीं, सुंदर रूप है, रूप का अर्थ सुंदर रूप, ठीक रहे। वो सुंदर रूप हो गया शब्द प्रवृत्ति निमित्त का धर्म, समझ में आया, वही शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म से अभी कौन शब्द आया स्त्रीलिंग में, रूपवती शब्द आया, तो समान हो गया, क्या समान हुआ, शब्द प्रवृत्ति निमित्त का धर्म समान हुआ, कौन सा है धर्म रूपवत्व, रूपवत्व का अर्थ रूप सुंदर रूप, ठीक है। स्त्रीलिंग वाला भी शब्द है कौन रूपवती हो गया, आप पर में क्या शब्द है बोलो भार्या, ये भी स्त्रीलिंग है, समानाधिकरण है क्योंकि दोनों बहुवरी है, सुनते हो ना। और रूपवती से परे उंग प्रत्यय नहीं हुआ है, और भार्या शब्द पूर्ण प्रत्यंत भी नहीं है, और प्रियादि गण में भी नहीं, घट गया कि नहीं घट गया, ये रूपवती को पूर्णवत भाव होगा तो क्या होगा रूपवत हो जाएगा, दीर्घायु का नहीं दिखे देगा, सुनते हो ना। हाँ ऐसा है, इसलिए क्या होगा रूपवत, आगे क्या है भार्या, भार्या ये भार्या को फिर हर्ष हो जाएगा, किससे वही बताया अभी, गो स्त्रियो रूपचर्य से हर्ष हो जाएगा, हर्ष हो जाए तो क्या बन गया रूपवत भार्या हो गया। हाँ लोकी विग्रह क्या है बोलो, रूपवती भार्या यस्य हो गया, और अलौकिक विग्रह क्या हुआ भार्या सु हो गया। चलो भाई उसके बाद पदकृत्य चल रहा है, देखो अनंग केम बोलो, हाँ क्योंकि अनंग का ना सूत्र में बोलो उंग का अभाव, उंग नहीं होना चाहिए, नहीं कहते तो यहाँ पर भी हो जाता पुनवत भाव, जैसे कह दिया बामरु भार्य बोलो, कहते हैं बामरु भार्या यस्य ऐसा है, हाँ क्या है बोलो बामरु भार्या यस्य, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या है, ये उंग प्रत्यय हुआ है, क्या प्रत्यय हुआ है,
सनित सफल लक्षण वामादेश च, इस सूत्र से होता है ना? हाँ सुनते हो? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बामरु में क्या है, बामरु में उंग प्रत्यय हुआ है, लिखो। कौन सा सूत्र? अरे भाई मैं तो लगाया नहीं। हाँ सनिता सफल लक्षण लिख दो, सनिता सफल लक्षण वामादेश च, ये सूत्र होता है, उसे उंग प्रत्यय होता है, उसे उंग प्रत्यय होता है, सुनते हो? ठीक है। हाँ ये बामरु, बामरु शब्द से उंग प्रत्यय होने पर बोलता है बामरु, सुनते हो? ठीक है, बामरु आगे सु दीर्घ उकार अंत है, आगे क्या है, भार्या सु, आगे क्या है, भार्या सु, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बामरु भाषिता पुंस का तो है, लेकिन उंग प्रत्यय होता है, क्या प्रत्यय होता है, उंग प्रत्यय होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पूर्णवत भाव नहीं हुआ है ना, भार्या को केवल हर्ष हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बामरु भार्य। आपके वहाँ क्या अर्थ दिया है इसमें हिंदी में, किसका, बामरु भार्य का, बामरु भार्य नहीं इसमें दिया ही नहीं दिया है, नहीं। है? बामरु भार्य ऐसे में बस यही एक मिनट, इसमें क्या अर्थ दिया है इसका, बामरु भार्य ओम प्रत्यय उसी सूत्र से ही होता है, नहीं दिया आपको, वो तो है। हाँ बामरु शब्द का क्या अर्थ दिया है इसमें, देखो तो वहां पर बामरु भार्य, एक मिनट, बामरु भार्य, बामरु भार्य रूपवती भारिया, यश ये हो गया, उसके बाद देखो बताता हूँ, अत्र केचित मुं पृष्ठे हूँ कल्याणी पंचम एक मिनट, ठीक है ऐसा ले लो, बाम का अर्थ सुंदर है, बाम का अर्थ सुंदर है, हाँ जिसके उरु, हाँ जिस भार्या के उरु जो है ना वो क्या है मालूम है, सुंदर है, क्या है, जिस स्त्री के, जिस भार्या के उरु जो है, उरु है ना क्या हो, बाम है, बाम का अर्थ सुंदर, इसलिए बाम उरु यस्याः, हाँ ऐसा होता है, ठीक है, वो बामरु होता है पहले, सुनते हो जी। क्या पहले बामरु शब्द बनाओ, क्या शब्द, बामो, हाँ बामरु है कि नहीं, हाँ ये शब्द पहले बनाओ, ठीक है, क्या होगा मालूम है, बामौ मतलब सुंदर, बाम का अर्थ यहाँ पर सुंदर है, बामौ उरौ उरौ उरु 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 यस्या, सुनते हो जी। क्या हुआ, उरु तो सुनो, उरु तो हर्ष उकारांत होता है, क्या है, पहले हर्ष उकारांत होता है, ठीक है, तो बामौ मतलब उरु, दो उरु है ना जंगा, वो सुंदर है, तो बामौ उरु यस्या सा बामरु, ये शब्द पहले बनाओ, सुनते हो जी। बामो आगे क्या है, उरु, बामो का अ उरु का उ क्या बन गया, आदगुणा हो गया, क्या शब्द हो गया, बामरु, फिर उंग प्रत्यय करो, क्या प्रत्यय करेंगे, उंग प्रत्यय, उंग का क्या रहेगा, दीर्घ उकार, हाँ तो क्या बनेगा, बामरु दीर्घ उकार अंत हो गया, नहीं समझ में आया, फिर बोलो
अरे भाई पहले उरु शब्द हर्ष उकार अंत होता है, ठीक है। हाँ उरु कार तो जानते हो, है ना, बाम बाम औ उरु औ, ये समास करो पहले, बाम औ उरु औ, उरु औ, ठीक है। हाँ समास क्या है, क्या बहुवरी समास है, हाँ ठीक है, बाम औ उरु औ, दोनों का उ चला गया तो क्या रहा, बाम उरु, तो आदगुण करो है तो क्या बनेगा शब्द, बामोरु, हुआ कि नहीं हुआ, आगे उंग प्रत्यय करिए, बामोरु शब्द से उंग प्रत्यय करो, क्या सूत्र है उंग करने वाला वही बताया आपको, सनित सफल लक्षण बामादेश, इसे क्या कर दिया, उंग, उंग का दीर्घ उकार, उंग का किससे परे हुआ, उंग बामरु शब्द से, उनका उ रहेगा दीर्घ उकार, ठीक है जी। फिर क्या करो, अकस्मात दीर्घ करो जी। तो क्या बन गया, बामरु, बाकी नहीं, पहले आदगुण फिर अकस्मात, हाँ हो गया, तो क्या बन गया, बामरु, अब दीर्घ उकार अंत हो गया, बामरु शब्द का अर्थ क्या हुआ, जिसके उरु सुंदर हो, बाम का अर्थ सुंदर, वो कौन है, वो भार्य है, और ऐसी भार्या जिसकी हो, ये बोल रहे हैं अभी आगे और समझे, अब अवरी करो, अरे बामरु भार्या यस्य, अब अवरी करना है, फिर आपको नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आया, आ गया, और बोवरी कैसे करेंगे, बामरु सु, बामरु सु, आगे भार्या सु, इतना आया अभी समझ में, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया अभी। अब देखो यहाँ पर उंग प्रत्यय हुआ है ना, कहाँ पर उंग प्रत्यय, बामरु शब्द में, जिले इसको बामरु को क्या नहीं होगा, पुनवद भाव नहीं होगा, पुनवद भाव जो कर देंगे ना, दीर्घ उकार नहीं दिखाई देगा, फिर बामरु हर्ष उकार होगा, हाँ आ गया, पुनवद भाव नहीं हुआ, नहीं। क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर उंग प्रत्यय हुआ है, किस शब्द से हुआ है, बामरु से, हर्षो उकारांत बामरु से उंग प्रत्यय हुआ है, इसलिए बामरु को क्या नहीं होगा, पुनवद भाव इतना आया कि नहीं आया, ऐसा होता है, ठीक है, बंदी कर दो, बंदी कर दो, ठीक है, आगे चलो, भार्या के आ को हर्ष हो गया तो क्या बन गया, बामरु भार्या हो गया, आगे बढ़ते हैं, पुराण्याम तो, पुराण्याम तो, देखो सूत्र में पुराणी बोल दिया ना, अपुराणी प्रिया दिशो, ऐसा ना कहते तो है, सूत्र आ रहा देख लो, अगले सूत्र के वृत्ति में बता रहे हैं आपको, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम, बोलो कल्याणी पंचमी, अगले सूत्र के वृत्ति में देखो दूसरी पंक्ति, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम, ताहा कल्याणी पंचमा रात्रयः, कल्याणी पंचमा रात्रयः, ये समास होगा, समाज देखो कल्याणी पंचमा, ये समास होगा, क्या समास होगा, कल्याणी पंचमा, हाँ ये जो रात्रि है ना, रात्रि 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 है, हैं, ये जो रात्रि नवरात्रि मान लो, कोई रात्रि हो, अनेक रात्रि में जो पांचवी रात्रि है ना, पांचवी रात्रि वो कैसी है, कल्याणी हो, कल्याण करने वाली रात्रि हो, सुनते हो है ना, ये यहाँ पर कह रहे, तो लौकी विग्रह हो गया, कल्याणी पंचमा, ये पंचमी यासाम, ये लोकी विग्रह हुआ, बोलो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलो आप लोग, कल्याणी पंचमी यासाम, कल्याणी पंचमी यासाम, फिर बोले कल्याणी पंचमी यासाम, ये विग्रह हो गया, लोकी विग्रह सुनते हो जी, और अलोकी विग्रह लिखो, कल्याणी सु पंचमी सु, कल्याणी सु पंचमी सु, ठीक है, ये अलौकिक विग्रह हो गया, ठीक है, अर्थ क्या हो रहा है मालूम है, जिन रात्रियों में
क्या है? पांचवी रात, पंचमी रात कल्याण करने वाली है, ये अर्थ करना है। सुनते हो ना? तो सु का क्या हो गया? लुक हो गया। कल्याणी में जो सु वो चला गया, हो गया। दोनों सु का लुक हो गया, कितना रहा? कल्याणी पंचमी, है ना? हाँ, ये जो पंचमी शब्द है ये पुराण प्रत्यंत है। क्या प्रत्यंत है? पुराण, है ना? ठीक है, चौथी रात हुई, फिर आगे क्या है? पंचमी रात। आगे क्या है? पंचमी रात्रि है ना? तो यहाँ पर समझ के रख लो, ये पुराण अर्थ में प्रत्यय है। क्या है? पुराण अर्थ में प्रत्यय है, हैं? पंचानाम पुराणी लिखो, पंचानाम पुराणी शब्द होता है, पुराणी शब्द है ना, पुराणी पंचमी करना है। क्या अर्थ है? पंचानाम पुराणी, पांच संख्या की पूर्ति, ये अर्थ है यहाँ पर, है ना? तस्य पुराणे डट प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? पंचन शब्द होता है। क्या शब्द? पंचन, है ना? पंचन पंचन शब्द से डट करेंगे, डट का अ रहेगा। क्या रहेगा? डट का अ रहता है। सुनते हो जी? ऐसा। और फिर जो है डॉट जब होगा ना, हैं, तो फिर जो है वहां पर जो है ना नकार का लोप हो जाएगा। क्या नकार? पंचन नकार का लोप हो गया, हैं? डॉट का अ, हैं, पंचन नकार लोप हो गया, कितना रहा बोलो? हैं, पंच आगे अ, फिर एक सूत्र आता है नांताद संख्यादे मठ, मठ हो जाता है। क्या हो जाता है? मठ हो जाता है। मठ बड़ा कठिन काम है, हैं? तो अ को मठ हो जाएगा, हैं? मठ का म रहेगा, क्या बना? पंचमा, लिखो पंचमा। पुलिंग में होता है पंचमा, क्या होता है? पंचमा। और स्त्रीलिंग में होता है पंचमी, है? हाँ, तो क्या बन जाएगा? पंचमी गीप हो जाएगा, पंचमी शब्द हो जाएगा। क्या अर्थ हुआ? पंच संख्या की पूर्ति, मतलब पांचवी, पांचवी बोलते ना हिंदी में, उसको संस्कृत में क्या बोलते? पंचमी, स्त्रीलिंग में। अब पुलिंग में पंचमा, हाँ, पंच पुलिंग में होगा पंचमा, और स्त्रीलिंग में होगा पंचमी, इतना आया? ये जो पंचमी शब्द है नारायण, ये हो गया है पुराण प्रत्यंत। पुराण अर्थ में प्रत्यय कौन था? डट, लिखो, पुराण अर्थ में डट प्रत्यय है यहाँ पर, पुराण अर्थ में डट प्रत्यय, डट प्रत्यय, ठीक है? इसलिए पुराण प्रत्यंत कौन हो गया? पंचमी, पंचमी आ गया। ऐसा शब्द यदि नहीं कहते सूत्र में, अपूरणी यदि नहीं कहते, तो पुराण प्रत्यंत परे रहते। पुराण प्रत्यंत स्त्रीलिंग वाला कौन है? पंचमी। ऐसा परे रहते भी पूर्व शब्द को क्या होता है? पुनर्भाव हो जाता है। पूर्व शब्द कौन है भाई बोलो? कल्याणी। कल्याणी को पुनर्भाव कर देंगे तो कल्याण हो जाएगा, हैं? क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, नहीं? कल्याण पंचमी बनेगा, कल्याण पंचमी हो जाता है, लेकिन ये शब्द नहीं बनता, ठीक है? ये बोलता है, आ गया? हाँ, पुनर्भाव नहीं होगा, नहीं होगा तो कितना रहा बोलो? कल्याणी पंचमी, कितना रहा? कितना रहा? कल्याणी पंचमी। ऐसा होने पर, ऐसा होने पर सूत्र आ रहा, देख लो, अपूरणी प्रमाण्य हो, अपूरणी प्रमाण्य हो, अपूरणी प्रमाण्य हो, ये सूत्र कहता है पूर्णार्थ प्रत्यंतम यस्त्रीलिंगम, बोलो, पूर्णार्थ प्रत्यंतम यस्त्रीलिंगम तदंतात्, तदंतात् प्रमाण्यंताच्च, प्रमाण्यंताच्च बहुव्रीहेर, बहुव्रीहेर अप्स्यात्, अप्स्यात्, बोलो, पूर्णार्थ प्रत्यंतम यस्त्रीलिंगम तदंतात् प्रमाण्यंताच्च बहुव्रीहेर अप्स्यात्। सूत्र में दो पद है भाई, अप प्रथमा के वचन, और दूसरा क्या बोल दिया? पुराणी प्रमाण्य हो, है?
हाँ इसको षष्ठी द्विवचन कर सकते हो। हाँ बराबर ना। हाँ अर्थ क्या होगा देखो, पूर्ण अर्थ प्रत्यय जिसके अंत में हो, पूर्ण पूर्णार्थ पूर्णार्थ प्रत्यय जिसके अंत में हो, जिसके अंत में हो ऐसा जो तिलिंग शब्द, ऐसा जो तिलिंग शब्द है जी, और हाँ आगे लिखो और प्रमाणी शब्द जिसके अंत में हो, और प्रमाणी शब्द जिसके अंत में हो, जिसके अंत में हो, अंत में हो ऐसा बहुव्रीहि समास से परे, ऐसा बहुव्रीहि समास से परे समासांत अप प्रत्यय हो, क्या हो समासांत अप प्रत्यय हो। यहाँ पर जो वृत्ति में दिया है ना बहुव्रीहेर अप स्यात्, अप में लिख दो समासांत, पुस्तक में बहुव्रीहेर अप, हाँ अप कहने से क्या लिखे वहां पर समासांत है, अप के पहले लिख दो समासांत अप स्यात्, समासांत मतलब समासांत है अप प्रत्यय, आगे समझ में स्पष्टता के लिए बोल दिया। जैसे दृष्टांत देख लो, कल्याणी पंचमी कितना रहा, कल्याणी पंचमी बहुव्रीहि समास है क्या ये है, है जी है ना। हाँ तो कल्याणी पंचमी में अंतिम शब्द क्या है पंचमी, ये पंचमी शब्द है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। अब पुराण अर्थ प्रत्यंत है, पुराण अर्थ में कौन प्रत्यय है डट, तस्य पुराणे डट आ गया, पूर्णार्थ प्रत्यंत कौन शब्द हो गया नहीं, शब्द कौन पंचमी, पंचमी हो गया है ना। वह जिसके अंत में हो ऐसा बहुव्रीहि समास कौन कल्याणी पंचमी, आपको समझ में आ रहा है आपको आ रहा है। हाँ कल्याणी पंचमी में क्या समास है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के अंत में क्या शब्द है पंचमी, पंचमी शब्द है। अब पंचमी शब्द स्त्रीलिंग है, है। अब पूर्ण अर्थ प्रत्यंत है, है पूर्ण अर्थ में प्रत्यय कौन है डट, डट प्रत्यंत कौन है पंचमी, आ गया समझ में ये कह रहे। ऐसा बहुव्रीहि समास से परे कौन सा प्रत्यय होगा अप, अप का क्या रहेगा अ, कल्याणी पंचमी उसके बाद बोलो अप, अप का अ रहेगा, पंचमी का ई क्या है पंचमी का ई, आगे बोलो अ, इकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से तसे लोप क्यों हो रहा यसी तेज, यसी तेज से क्या होगा इकार का लोप हो जाएगा है, तो इकार का लोप हो जाएगा तो कितना रहा बोलो पंचमा है, पंचम रहेगा पंचमा, कल्याणी पंचम, कल्याणी पंचम सुनते हो ना। हाँ फिर उसके बाद स्त्रीलिंग है क्या है, तिलिंग है तो टाप हो जाएगा, फिर क्या होगा टाप हो जाएगा ना, रात्रि शब्द है ना तिलिंग होता है, है? हाँ इसलिए क्या हो जाएगा टाप हो जाएगा, बहुवचन में क्या बन जाएगा कल्याणी पंचमा, हाँ क्या बन जाएगा कल्याणी पंचमा, रात्र दिया है हो गया प्रक्रिया समझ में आई। हाँ चलो आए उसके बाद देखो भैया, हाँ विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर तो लोप होगा, रोरी शब्द से लोप हो गया विसर्ग तो रहेगा ठीक है, रोरी शब्द से लोप हो गया ना कल्याणी पंचमा में है तो विसर्ग है, वृत्ति में कल्याणी पंचमा रात्रय विसर्ग दिख रहा है रात्रय में पंचमा में, पंचमा में कह रहा हूँ मैं विसर्ग था ना, हाँ रेफ का लोप हो गया किसे रोरी सूत्र है ना चलो उसके बाद देखो स्त्री प्रमाणी यस्य बोलो स्त्री प्रमाणी यस्य सह स्त्री प्रमाण, सह स्त्री प्रमाण
ये अप्रत्यंत को समझाने के लिए बोल रहे हैं, है? स्त्री है प्रमाण जिसमें, सुनते हो, कोई कार्य हुआ इसमें प्रमाण कौन है, कोई स्त्री को दिखा दिया, हाँ ये स्त्री देखी थी, हाँ ये माताश्री क्या देखी थी, कौन देखी थी, हाँ एक स्त्री, लाओ इसको बुलाओ, हम पूछते हैं, हाँ तो इसमें प्रमाण कौन हो गया, स्त्री हुई कि नहीं हुई, ये तात्पर्य, तो स्त्री प्रमाणी यस्य हो गया, सह क्या है, स्त्री प्रमाण, स्त्री प्रमाण, हाँ तो लौकिक विग्रह क्या है अनुराग, अलौकिक विग्रह स्त्री सु प्रमाणी सु, सु का लुक हो गया दोनों में, कितना रहा स्त्री प्रमाणी, ये सूत्र लगेगा अब पुरानी प्रमाण्य हो लग जाएगा, बोबरी समास है ना, बोबरी समास में समास के अंत में क्या शब्द हो बोलो, पुरार्थ प्रत्यंत हो अथवा क्या शब्द हो, सुनते नहीं तुम, बोबरी समाज के अंत में क्या क्या शब्द हो, पुरार्थ प्रत्यंत शब्द हो और क्या शब्द हो, सुनते नहीं तुम, प्रमाणी शब्द हो, नहीं कहा प्रमाणी, प्रमाणी शब्द हो, है तो प्रमाणी शब्द है क्या जी। है हाँ, इसलिए ऐसा बहुवरी से पर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ का क्या रहेगा, और रहेगा, यहाँ पर भी प्रमाणी के इकार का लोप हो गया, ये से तीचर से क्या बन गया, स्त्री प्रमाण, ये शब्द पुलिंग में चल रहा है अभी, अन्य पदार्थ है ना, कोई व्यक्ति है मान लो, कोई व्यक्ति है उसके बाद कौन सा प्रमाण है, स्त्री प्रमाण है, साक्षी मतलब प्रमाण मतलब साक्षी और क्या है तो यहाँ इस व्यक्ति का साक्षी कौन, स्त्री कह दिया, इसलिए स्त्री प्रमाण, अयम पुरुष स्त्री प्रमाण, मतलब इसके पास कौन सा साक्षी है, स्त्री साक्षी, स्त्री रूपी प्रमाण है, मतलब ऐसे में तो क्या शब्द बन गया, स्त्री प्रमाण हो गया। अच्छा अप्रियादिशु किम, बोलो अप्रियादिशु किम, क्योंकि सूत्र में कहा ना स्त्रिया पुनवद भाषित में, अपूरणी आगे क्या कहा, प्रियादिशु, मतलब पर में प्रियादि गणपति शब्द न हो तो है कि नहीं, जैसे नहीं कहते तो पर में प्रियादि गणपति शब्द हो वहां पर भी क्या है, हो जाता पुनवद हो जाता, जैसे अप्रियादिशु किम, बोलो अप्रियादिशु किम, कल्याणी प्रिय इत्यादि, कल्याणी प्रिय इत्यादि ये शब्द होगा, है देखो क्या होगा, कल्याणी प्रिया यस्य, लिखो कल्याणी प्रिया यस्य, कल्याणी प्रिया यस्य, है ना, ये बोबरी समास है, हाँ प्रिया, प्रिया आकारांत शब्द था, मतलब जिसकी प्रिया क्या है, जिसकी प्रिया किसी व्यक्ति के कोई प्रिया हो, कैसी हो, कल्याणी हो, मतलब शुभ लक्षण वाली हो, क्या लक्षण वाली हो, शुभ लक्षण वाली, हाँ प्रिया जिसकी हो, उस पुरुष को, उस व्यक्ति को कहा जाएगा, हाँ हाँ क्या कहा जाएगा उस व्यक्ति को, कल्याणी प्रिय, क्या कहा जाएगा, कल्याणी प्रिय, ठीक है अनुराग समझ में आ रहा है, हाँ लौकिक विग्रह क्या हुआ बोलो, कल्याणी यस्य, और अलौकिक कल्याणी सु प्रिया सु, यहाँ पर नहीं कहते तो कल्याणी को क्या हो जाता है, पुनवाद भाव हो जाता, क्या ना कहते तो अपूर्णी प्रियादिशु कहा ना, अप्रियादिशु नहीं कहते हैं, कल्याणी को पुनवाद भाव हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, फिर कल्याण प्रिय हो जाएगा सब, हो गया हाँ ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पुनवाद भाव नहीं हुआ तो कितना रहा, कल्याणी प्रिया है, क्या रहा, प्रिया। और हर्षो कहाँ से आ गया, हर्षो कहाँ से आ गया वही गोस्त्रीय सूत्र से, गोस्त्रीय उपसर्जन सूत्र से प्रिया को हर्षो होने पर प्रिय हो गया, अ हो गया, तो विसर्ग है ना, कल्याणी प्रिय हो, विसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, लोप हुआ है, ठीक है, और किस सूत्र का विचार पूरा हुआ बोलो, वही स्त्रिया पुनर्भाषित, उसी का विचार पूरा हुआ,
ठीक है। उसके बाद देखो समास अंत ही चल रहा है, बहुव्रीहो सत्यक्षणोः स्वांगात् सच, बहुव्रीहो सत्यक्षणोः स्वांगात् सच, बहुव्रीहो सत्यक्षणोः स्वांगात् सच। सूत्र में भाई देखो बहुव्रीहो सप्तमी का एक वचन एक पद हो गया, सत्यक्षणोः क्या है षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन ले लो, और स्वांगात पंचमी का एक वचन, सच हो गया प्रथमा का एक वचन। यहाँ पर सच प्रत्यय हो रहा है, कौन सा प्रत्यय है, देखो स्वांगवाची सत्यक्षणतात, बोलो स्वांगवाची सत्यक्षणतात, स्वांगवाची सत्यक्षणतात, बहुप्रिय है सच स्यात, पढ़ो स्वांगवाची सत्यक्षणतात बहुप्रिय सच स्यात। हाँ देखो ये बोलते हैं बहुव्रीहि समास से परे सच समासांत होगा, ये भी समासांत करेगा भाई, ठीक है ना। कौन सा समास से परे बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि समास के अंत में क्या शब्द हो ये बोल रहे हैं, कहते स्वांग वाचक, स्वांग अपने अंग का वाचक है, स्वांग वाचक, स्वांग वाची मतलब अंग, अपने अंग का वाचक शब्द हो, क्या शब्द हो शक्ति है, शक्ति शब्द हो और क्या अक्षी शब्द हो, शक्ति और अक्षी, शक्ति जानते हो उरु, उरु जंगा उसको बोलते हैं शक्ति, शक्ति भी संगवाचक है और अक्षी भी तो है ही चक्षु है कि नहीं। हाँ तो ऐसा शब्द जिसके अंत में हो जिस बहुव्रीहि समास के, ऐसे बहुव्रीहि समास से परे क्या होगा समास अंत सच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कह दिया दीर्घ सक्त, क्या कह दिया दीर्घ सक्त, हाँ तो क्या बनेगा मालूम है दीर्घे शक्ति है, हाँ शक्ति यस्य ऐसा हो जाएगा, हो गया हाँ दीर्घे के दीर्घो, ये शक्ति है ना, ये शक्ति मेरे ख्याल से नपुंसक होता है, देखो तो क्या दिया है क्यों दीर्घे शक्ति, हाँ शक्ति नहीं नपुंसकता है, सही है सही है सही, दीर्घे है शक्ति नहीं क्या है शक्ति में दीर्घ ही कर दिया होगा, शक्ति शब्द बनता है ना नपुंसक में, अस्ति दधि वहां पर आया ना, अस्ति दधि शक्ति अनुगोदात्त, शक्ति नपुंसक में होता है, दीर्घ है शक्ति आगे क्या है यस्य है कि नहीं, हाँ सह यस्य भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर पुलिंग दिया है स्तः यस्य, द्विवचन है पुलिंग में दिया है, दीर्घ प्लस क्या होगा औ फटाफट लिखो दीर्घ औ आगे शक्ति औ, शक्ति हर्ष ही कारण है दीर्घ औ शक्ति औ, जिसकी शक्ति मतलब उरु दीर्घ है बहुत मोटा है और क्या अपेक्षाकृत मोटा है ना दीर्घ चौड़ा है लंबी है और क्या लंबी चौड़ी बहुत है और क्या, ऐसा भी होता है ना कोई कोई जुड़ जाता है चलते समय देखो किसी के बहुत मोटा हो जाता है जाएगा, मोटे लोग होते हैं और चल नहीं पाते फिर बड़ा खतरनाक है इतने मोटे होते हैं, हमारे यहाँ लाइब्रेरी देखो ना ये सामने जाते से छोटी रास्ता है ना जी। एक मोटा आया था वो पुणे तरफ से आया था एक बार फंस गया वहां पर इतना मोटा था वो, ये लाइब्रेरी में सामने है ना ज्ञान जोगी के समय आया था और फंस गया, अब फंस गया तो चिल्ला रहे हो अरे मुझे खींचो बोल जय हो तो फिर उस मार्ग से फिर आए नहीं फिर, और ऐसे ऐसे होते हैं बड़ा खतरनाक, तो दीर्घ ओ शक्ति ओ हो गया हो गया ओ का लुक हो गया कितना रहा बोलो दीर्घ शक्ति। इस समाज से परे कौन सा प्रत्यय हो रहा है सच, सच का क्या रहेगा ओ रहेगा, चकार की संज्ञा सकार की भी संज्ञा होता है, सह प्रत्यय से सूत्र है ना सह प्रत्यय से सूत्र है उससे सकार की संज्ञा होगी, कौन सकार है ये सकार की संज्ञा होगी, क्या सूत्र
सह प्रत्ययस्य, तो सकार की संज्ञा हो जाएगी तो क्या रहेगा, और रहेगा और शक्ति के इकार का लोप हो गया, किससे यस्यति जैसे, कितना रहा दीर्घ सक्त हो गया, पुलिंग में दीर्घ सक्त हो गया भाई। ओम नृत्तावसाने नटराज राज ननाद डक्काम न पंचवारम उद्धार्थ कामासन कादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ओम शांति शांति शांति।